पारो, उस बारे में कुछ बताइए, आपका कैरेक्टर क्या है इसको? पारो जैसा नाम आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, जब मैं कर रहा था तो लोगों ने कहा कि ये देवदास जैसी है क्या? मैंने कहा नहीं, ये देवदास जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि देवदास इसकी जैसी है। मजाक कर रहा था, ये फिल्म बिल्कुल अलग है, एक लव स्टोरी है। वो देवदास भी लव स्टोरी थी, ये देवदास भी लव स्टोरी है। उसमें दो हीरोइन थी, उसमें सिर्फ एक हीरोइन है। और मतलब मैं इन दिनों जो एक भूत सवार है ना मेरे ऊपर, कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग, तो ये वाकई अलग टाइप की लव स्टोरी है। दबंग टाइप का गर्ल है इसमें, दबंग गर्ल की स्टोरी है। मतलब लड़की एकदम फर्राटेदार जो होती है ना, एक खुले दिमाग की लड़की, और लड़का वो जो जिसे प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसे दो लड़कों की, दो लड़के और लड़की की कहानी है ये, जिसका नाम है पारो। बहुत सारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लव स्टोरियाँ बनी हैं, पर ये लव स्टोरी वाकई में सबसे अलग है। क्लाइमैक्स इसका चौंकाने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस स्टोरी के बारे में नहीं बोलूँगा, पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब भी पारो फिल्म को जो लोग देखेंगे वो वास्तव में बोलेंगे कि नहीं यार, ये एक लव स्टोरी अलग लव स्टोरी है। सर, इस फिल्म में आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? सर, इस फिल्म को मैंने जिया है, क्योंकि कहानी ये मेरी है, मेरी पहली फिल्म है। और मेरा मानना है कि कहानी, फिल्में कहते हैं कि समाज का आईना होती है, तो हमने अपने ही समाज से, मेरी आदत है कि मैं अपने समाज से ही कहानियां निकालता हूं, और जो चीज़ें हमें बेहतर लगे, और पहले मैं एक दर्शक की तरह सोचता हूं कि हाँ, दर्शक किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, मैं कैसे कैसी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, हॉल में हमें कैसी फिल्में अच्छी लगती हैं, इंटरटेनिंग लगती हैं, उस चीज़ों को मिला के एक ड्रामा मैंने बनाया। और मेरा सौभाग्य रहा कि हमें एक बेहतरीन आर्टिस्ट मिले, पूनम जी, यश जी, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया, जो कि मेरी फिल्म को साकार किया इन्होंने। ये मेरा यूं समझिए तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूनम जी, इस फिल्म की कहानी जो लॉ एंगल है लेकिन बहुत अलग करके बताया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आएगी? आपका जो किरदार है इसमें, दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये दर्शकों के बीच की एक कहानी है। और आप जब भी ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को लगेगा कि हाँ, एक लव स्टोरी ऐसी भी हो सकती है, प्यार की एक हद ऐसी भी हो सकती है। यूं समझिए तो ये प्यार की इंतहा है। प्यार का एक लिमिटेशन होता है ना, जो एक हाइप होता है, वहां तक ये परिवार जुड़ने लगा है। और जब आपके फिल्मों से परिवार जुड़ने लगेगा तो आप पारिवारिक चीजों के इर्द गिर्द ही ताना बाना बनेंगे। तो इसके जितने भी गाने हैं बड़े कर्णप्रिय हैं, और स्पेशली एक दुल्हन की विदाई का गाना है, वो हमेशा रुलाता है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। मधुकर आनंद जी का म्यूजिक है इसमें। और नील बाबू ने एक डायरेक्टर के रूप में, पहली फिल्म है इनकी, पर मैं इतना कहूँगा कि नील मणि सिंह ने इस फिल्म में एक डायरेक्टर के रूप में 100% न्याय किया है। ये पहली ऐसी फिल्म है कि जब मैंने कहानी सुनी थी तो मैंने कहा था कि ये एक चीज़ चेंज होना चाहिए। नील बाबू ने कहा था कि भैया, आपने बहुत सारे फिल्में किए हैं, एक फिल्म में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, और करना आपको ही है, नहीं तो मैं सिनेमा नहीं करूँगा। मैंने बहुत बड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने उस समय बोला कि ठीक है यार, एक फिल्म में ऐसा भी करता हूँ जिसमें मेरे को, फिर मैंने इनसे कहा कि ना मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ना मुझे पूरी स्टोरी जाननी है, मैं ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके फिल्म कर रहा हूँ। मैं सेट पर पहुँचा, और देखिए, मैं किसी की तारीफ, मैं एकदम पूरी तरीके से खुला हुआ आदमी, अगर मुझे किसी का साथ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, किसी का डायरेक्शन नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, किसी का काम करने का तरीका पसंद है तो पसंद है। ये पहली ऐसी फिल्म है कि जब मैं जा करके स्क्रिप्ट पर जब मैं पूछता था ये ऐसा क्यों, हो सकता है कि डायरेक्शन में एंगल वाइज नील 80% 20% अभी भी नॉलेज ना हो, पर कॉन्सेप्ट के मामले में और कॉन्सेप्ट के नरेशन के मामले में और एक्टर को कन्विंस करने के मामले में नील वन एंड ओनली मेरी नज़र में काफ़ी दिनों बाद एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में हैं जिनको 100% कन्विंस करने की शक्ति है, एक्टर को कन्विंस कर देगा बंदा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से, और फिल्म का एक डायलॉग तक नहीं चेंज होने दिया इस बंदे ने, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बुलवाया है। एक आध जगह मैंने सवाल भी किया कि ये क्यों बोलेगा,
तो उसका पूरा पिछले सीन से और आने वाले अगले सीन में इस बंदे ने मुझे कन्विंस किया कि भैया ये ऐसे इसलिए है, और वास्तव में वो जस्टिफाइड था। पूनम जी, यश जी का हस्ताक्षेप जो होता है फिल्म में होता है, आप उसमें ये अभिनेत्री हैं? नहीं नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा गलत था कि हस्तक्षेप, मैं दूसरे की फिल्म में कुछ बोलता ही नहीं, मैं अपने यश कुमार एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर का खून चूस जाता हूँ। और मैंने आज तक जितनी फिल्में बनाई हैं, तन्वी मल्टीमीडिया से लेकर के मैंने तन्वी मल्टीमीडिया के लिए 7 फिल्में बनाई, वो 7 फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे हिट रही, तुरंत बॉक्स ऑफिस के जस्ट बाद सैटेलाइट पे वो सारी टॉप TRP में चली। और मैं एक फिल्म में तन्वी मल्टीमीडिया में किया था जिसमें मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और उसका हर्ष मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी यश कुमार एंटरटेनमेंट में मैंने पहली फिल्म की कसम पैदा करने वाली Part 2, न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे उसने तारीफ पाई, अब सैटेलाइट पे भी आने वाली है, सबके सामने आएगा। मैंने अभी Beti No. 1 बनाई है, इसके बाद मैंने थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, मैं सिर्फ अपने बैनर में ही अपनी मर्जी चलाता हूँ, बाकी कोई एक सिंगल डायरेक्टर ये नहीं कह सकता है कि यश कुमार दूसरे के बैनर में आकर के बोलता है। पूनम जी, मैं जो सवाल है शब्द सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि यश जी जो है सुझाव देते रहते हैं, आपको कितना सुझाव दिया, उसका कितना लाभ आपको हुआ? नहीं, यश जी जो सुझाव देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही पहले बता दिया कि वो एक्टर के पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बहुत परख होती है कि यहाँ पे क्या चीज़ें ऐसे होंगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो जब भी हस्तक्षेप दें या सुझाव दें वो बेटरमेंट के लिए होता है। और एज अ फ्रेंड पर्सनल लाइफ में और एज अ को एक्टर प्रोफेशनल लाइफ में ये ऑलवेज सुझाव देते हैं, जिसका आप हस्तक्षेप बोल रहे हैं तो वो सिर्फ बेटरमेंट के लिए होता है। आई एम एग्री विथ हिम। यस जी, कोरोना का टाइम था, कितनी मुश्किल में आपने फिल्में शूट की और बैक टू बैक आपने करते ही रहे हैं, तो सर कोरोना खत्म होने के बाद शायद 9 फिल्मों की शूटिंग कम्प्लीट कर चुका हूँ पिछले 6 महीने में, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहे। मैं तो यहाँ पे 90 फिल्म नहीं करने, 900 फिल्म करने आया हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है यश जी को संभालना? मुझे नहीं लगा कि मुश्किल है, यश जी को समझ में आनी चाहिए आपकी बातें, अगर बातें समझ में ना आए एक्टर को, अगर डायरेक्टर की अगर ट्यूनिंग ना हो तो फिर आप फिल्म बना ही नहीं सकते, वो ट्यूनिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अगर लॉजिकली प्रूफ कर सकता हूँ तो ये कहीं नहीं हस्तक्षेप करता। अगर एक शब्द में बोलना चाहे, यश जी की परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे? नहीं, इनसे पूछिए मैंने कितनी तबीयत खराब होने के बाद इनकी फिल्म में खड़ा था, मैं जो फोटो मैंने देखा था। यश जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये कमिटमेंट के बिल्कुल ही पक्के इंसान हैं, जो हमने सेट पे झेला 103 डिग्री बुखार में, इनकी आंखें सूज गई थी, इवन हमने चश्मा लगा के उस सीन को कंप्लीट किया ताकि प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, और बेहतर किया, कहीं से नहीं आपको लगेगा कि ये बंदा 103 डिग्री बुखार में काम कर रहा है। फिल्म पारो दर्शकों को कब ट्रेलर देखने को मिलेगा? ये जल्द ही 2-4 दिनों में ट्रेलर आप लोगों के बीच में होगा, ट्रेलर का काम कंप्लीट है, और आई थिंक होली से पहले हम लोग फिल्म रिलीज के भी प्लान में है, थिएटर रिलीज के भी प्लान में है हम लोग, और हाँ हो सकता है कि 26 या उससे पहले भी हम करें, जो भी होगा 4 दिन पहले डेट पता चल जाएगा, ट्रेलर कब आ रहा है 2-4 दिनों में पता चल जाएगा, हमारे पास ये चटाएंगे। और लास्ट लाइन में एक जरूर कहना चाहूंगा, हम जो फिल्में बना रहे हैं ना, मेरा ये मानना है ना कि हम जो भी फिल्में बनाते हैं हमारी स्टोरी टेलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, दर्शकों को जो हम कहना चाहें वो उनके समझ में। नील की फिल्म के लिए इतना कहूंगा मैं कि नील बाबू ने मुझे अभी हाल ही में एक कहानी और सुनाई है, तो और 3-4 कहानियां मुझे सुना चुके हैं, मैंने एक चीज ये देखा कि इनकी फिल्में कहीं से कोई कॉपी नहीं होती हैं, और ये एक रियल स्टोरी उठा करके वास्तविक जीवन से खोद करके स्टोरी पारो भी सुनाई थी और इवन जो उस दिन भी सुनाई थी, तो ये एक अच्छी गुण इनके अंदर एक कलाकारी। हमारे बीच में इतनी सारी कहानियां हैं, बस उसे सही ढंग से पिरोने की जरूरत, मेरा मानना यही है। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन आने वाली है, उस पे कुछ में बोलेंगे? अरे क्यों नहीं बोलेंगे, कोरोना पे ही तो बोलेंगे, लाइए जी। देखिए कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को परेशान कर रही है, ये बात सत्य है, सुरक्षा आपको रखनी है, पर इतना कहूंगा कि इससे डरना नहीं चाहिए, आपके सामने अगर शेर खड़ा है आप डर जाएंगे तो ससुरा मार के खा जाएगा,
आप उसका सामना करिए। हो सकता है आंखों में आंखें डाल दे तो शेर भी आपसे डर के भाग जाए। कोरोना एक महज बीमारी है, जानलेवा है कि नहीं है ये आपके एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। तो कोरोना से डरिए मत, सुरक्षा रखिए और वैक्सीन जब आएगा तब देखेंगे। हिंदुस्तान में इतनी जड़ी बूटियां हैं, खाते आ गया है, 16 से लगने वाला है, 16 से लग गया तो सबसे पहले मेरे पास भेज देना भाई, सबसे ज्यादा पब्लिक सबको लगे टाइम टू टाइम, और सब लोग लगवा लीजिए टाइम से एकदम। वैक्सीन की जरूरत है, ये एक सीरियस बीमारी है जिससे हमको लड़ना है।